अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एन अदर धुंधला एंड ठंडा व्लॉग। धुंधला एंड ठंडा इसलिए कि धुंध भी बहुत ज़्यादा है और ठंड भी बहुत ज़्यादा है और कल से भी ज़्यादा सर्दी है। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? उम्मीद है कि तमाम लोग खैरियत से होंगे। और सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? बहुत ठंड है। सर्दी हो या गर्मी हो, वाक ज़रूरी है जी। तो देहात का माहौल बड़ा मज़ेदार होता है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे कैसे मज़े का मौसम है। और यहाँ पे हम निकल आते हैं डेली और यहाँ पे वॉक करते हैं खुली डुली फिज़ा में, और लोग जागे ना जागे लेकिन परिंदे जाग जाते हैं। अच्छा खासा टाइम हो गया, साढ़े सात। हाँ, इस वक्त 7:30 का टाइम है, लेकिन पीछे माहौल आप देख रहे हैं। पीछे क्या, अभी सामने हमारी नहर है और धुंध की वजह से ज़ीरो विजिबिलिटी है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो हाँ, थोड़ा लेट निकले, हमने कहा धुंध नहीं होगी और फोग नहीं होगी, लेकिन आज भी है, बल्कि ज़्यादा है। लेकिन आज हम जहाँ पे पहले रुकते थे वहाँ से थोड़ा सा आगे आ गए। हमने कहा आज थोड़ा सा डिफरेंट व्यू, फिर कल 1 किलोमीटर और आगे आ जाएंगे। तो इस तरीके से डेली जो है डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ के साथ, नहीं नहीं ऑन है, तो डिफरेंट व्यूज़ के साथ जो है हम अपना वॉक भी कर लेते हैं। आज हमने 40 मिनट वॉक करनी है। चलें जी, हम अपने कैमरे का रुख चेंज करते हैं ताकि आप हमारी शक्ल देखने के बजाय धुंधला भी वो देखें। कुछ नज़र तो आना नहीं है लेकिन नहीं, बादल बादल तो हैं लेकिन खूबसूरत लगता है ना। हम रोड पे करते हैं वॉक। हाँ आप ठीक है, तो कौन से लोग आते रहते हैं ना, कुछ चढ़ते बढ़ते करते हैं। हाँ, थोड़ा आगे हो के आते हैं फिर वहाँ से। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए कैसा ज़बरदस्त है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। हालांकि अच्छी खासी आबादी वाला इलाका है और चलो आओ इधर से, आओ मेन पे चलते हैं। मिट्टी की वजह से पाँव ज़रा यहाँ पे ख़राब होते हैं, तो मेन पे ये है कि गाड़ी भी वहीं खड़ी है हमारी और वाक भी वहाँ अच्छी हो जाती है। अब जब मेन पे जाएंगे ना फिर देखेंगे टाइम, ठीक है। अभी है 7:11, 20 मिनट तक सीधा सीधा चले चलेंगे, वही 20 मिनट फिर वही वापसी के बन जाएंगे, 40 मिनट हो जाएंगे, ठीक है। देखो, अच्छा वहाँ बाहर गाड़ी में बैठे हुए या बाहर बैठे हुए फील होता है कि जी बहुत सर्दी है, लेकिन जब आप वॉक करने लगते हैं तो ठंड भी नहीं लगती और मज़ा भी आता है। माहौल भी जो है ना वो खूबसूरत है और बंदा जो है ना वो एंजॉय करता है। यार सुबह सुबह ये देखो चारों तरफ दरख्त हैं और ये बहुत मतलब सेहत के लिए भी अच्छा है इंसान के लिए। और यहाँ पर देहाती आबादी है ना, तो लोग जल्दी उठ जाते हैं। यहाँ लोग उठे होते हैं सुबह सुबह, लोग अपने काम शाम शुरू कर देते हैं। हाँ, लोग यहाँ पे देखो जब भी हम आते हैं सुबह सुबह यहाँ पे लोग वॉक भी कर रहे होते हैं। ये देखे पुल है, पानी कितना ठंडा होगा ना यहाँ पे। हाँ, घूम भी पड़ी है, अंधेरी भी पड़ी है सारी। ये देखे पुराना पुल है, पता नहीं कौन से जमाने का, अंग्रेज बना के गए थे शायद, इसके साइड में टूट फूट गई है सारी। हाँ, ये सामने छोटी सी मस्जिद बनाई हुई है किसी ने, ऊपर लोग हैं ना सारी आबादी। हाँ, ऊपर पेट्रोल का भी ऊपर बोतल रखी हुई है कि पेट्रोल जो है अवेलेबल है। हाँ, दरख्तों के साये के नीचे माचे पड़े, यहाँ पे बच्चा जो है वो टिकटॉक देख रहा है बैठ के सुबह सुबह। बच्चों को बस टिकटॉक बड़ा पसंद है। हाँ। बच्चों को क्या, बड़ों को? अपने आप को देखा है? मैं तो कभी भी नहीं देखता। टिकटॉक लवर, बस कौन सा मौका होता है जब आप नहीं देखते, ये बताएं। बड़ा पसंद है। अच्छी, ये आबादी वाला इलाका इस तरफ, ये देखो राइट साइड में सारी आबादी है ना, घर है सारे। यहाँ पे जानवर वगैरह भी बांधे हुए लोग बहुत सारे, गाय भैंसे। नीचे सारे कमल है। कमल? हाँ, नीचे सारी कमल है। कमल है, कमल के फूल है, कमल आफ्ताब। नाक ठंडी हो जाती है, गलती क्या, मास्क ले लेते हैं, पड़े हैं गाड़ी में, ले ले सारी पैसा, सबसे पहले नाक ठंडी हो।
कहाँ गया गोबर है? तो मैं वो छोटा हीटर ले लेता हूँ नाक वाला, चाइना ने बनाया, नाक के सामने लगा लो गरम गरम। हाँ हाँ वो हीटर ले देता हूँ मैं। कितना गोबर है, सारी लगता गाय भैंसों का कचरा। ये सामने वो भैंसों का भाड़ा है ना। अच्छा गुड मॉर्निंग। ये कहीं लगा शोर मचा रहे, कहीं लगा दरख्त है यहाँ पे। ये लगे दरख्त होते हैं ये सामने, ये इधर वाला, ये इधर जो है यही होता है ना, बस कच्चा कुच्चा सा दरख्त होता है। ये सुहाना है मोरिंगा। अच्छा हाँ ये तो इस पे है क्यों नहीं, आजकल तो सीजन है। उतार लिया होगा ना। हाँ अभी सुहाना भी लेंगे, ये सुबह सुबह डॉगी भी बैठे हैं। सर्दी लग रही हो तुम्हें, बदतमीज हो। लग रही है बेचारे छुपे हुए पत्तों में छुप के बैठे। बड़ा खूबसूरत एरिया यार ये वाला ना। अभी तो कुछ नजर नहीं आ रहा। ये ब्यूटी वैसे गर्मियों में ज्यादा अच्छी लगती है मुझे, लग रहा है ना। वो आम लगे होते हैं, आम थे, आम लगे होते थे और वो नहर में पानी, हाँ नहर में पानी फुल होता था और वो, लेकिन वो एक अपना अच्छा है सीन, डिफरेंट है। मुझे ये धुंध वाला जो मौसम है ये बहुत पसंद है। हाँ तूड़ी मुख्तलिफ जुबानों में मुख्तलिफ है। हाँ गंदम के छोटे छोटे पीसीस, गंदम के पौधे के छिलके, नहीं नहीं गंदम के जो पौधा होता है ना। हाँ। उसको ये जब क्रश करते हैं ना गंदम को। अच्छा। तो वो मशीन लगाते हैं तो दाने लग हो जाते हैं और जो उसका पौधा है वो इस शक्ल में निकल आता है। ठीक ठीक। फिर ये देखो इसके पौधे को भी जानवर खाते हैं, यानी गंदम को इंसान खाते हैं। हाँ। उसके पौधे को जानवर खाते हैं। अल्लाह की कुदरत। आज तो मुंह से धुएं भी निकल रहे। बच्चे नहीं आते, मानो मलाइका कुकराए वगैरह। चलो ठंड से डरे हुए हैं बच्चे, कमाल है। वो देखो ये सारा कमल है, देख रही हो चारों तरफ होगा वो। इसके कमल के जड़ होती है ना वो ककड़ी, कमल ककड़ी। हाँ जिसे हम भी बोलते हैं। हाँ कौन मजे बनाएंगे अभी, ले आऊंगी सब्जी। हाँ अभी तो सीजन है इसका, कीमे के साथ बहुत अच्छे बन जाते हैं। मजा उसको कीमे के अंदर ही खाने का आता है। ठीक है, बनाऊंगी। कीमे के साथ मिक्स हो जाते हैं ना, बहुत मजे के लगते हैं। सबसे अच्छा लगते हैं शोरबे में, नहीं अच्छे लगते वो। हाँ नहीं नहीं शोरबे वाले नहीं, या वो हमारे आलू बिच्छू वाले जो बनाते हैं वो लेना आज, या अपने चने वाले चने की प्लेट खाते हैं। मैं तो अभी कुछ नहीं खाऊंगी नाश्ते के लिए अभी, खाली कबाब खाएं और अंडा खाएं। अभी नहीं खाएंगे ना, अभी तो उधर चलेंगे, सारा काम शाम करके आते हैं, वहाँ से घूम के फिर वापसी के ऊपर देखेंगे। वॉक पहले कर लें क्योंकि वॉक करते हमें अभी यहाँ से निकलते 8 हो जानी है, और 8 बजे तक तो सारी चीज़ें खुल जाएंगी ना। सही। तो फिर हम अपने काम वाम जो हैं वो करके फिर वापस आते हैं घर। देखो पसीना आ रहा है, इतनी सर्दी है लेकिन वॉक करने से पसीना आता है। अच्छी बात है, स्वेटिंग आना जरूरी है, पता आपको वॉक का फायदा तब भी है जब आपकी स्वेटिंग। वही ऐसे बंदा डरा रहता है घर बैठ के, कितनी सर्दी है घर से बाहर ही ना निकलो। जितना बंदा नहीं था लेकिन फिर भी उठ गई। नहीं जितना भी बंदा नहीं, बेस्ट वे है कॉफ़ी पियो चल पड़ो, ब्लैक कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी पियो कुछ भी नहीं, एक्टिव हो जाता आदमी। स्कूल जा रहे हैं बाइक पे सारे बच्चे ठंड में भागे हुए। मोस्टली स्कूल तो हमारे शहर के बंद हुए हैं। हाँ अभी आज तो छुट्टी होगी ना वो मैच की वजह से ना। हाँ इंग्लैंड की टीम आई हुई है, हमारा मुल्तान का स्टेडियम है ना। अच्छा इधर से उतरने की जगह है नीचे देखो। हाँ नहीं अभी तो वॉक कर, ये देखो इधर से अच्छा। उधर जहाँ पे हमारे रहते हैं वो फार्म हाउस वाली साइड जो है उधर, वहाँ पे इससे भी ज़्यादा माहौल होगा ज़बरदस्त। जाहिर है
इस वक्त बड़ा मज़े का माहौल होगा वहाँ पे, चलेंगे किसी दिन वहाँ पे मॉर्निंग वॉक करेंगे चल के, थोड़ा घूम के आएंगे। ये जगह इन्होंने मेरे ख्याल में भैंसों के लिए बना रखी है कि यहाँ से गुजार लें आसानी से। आज तो वाकई हमारा व्लॉग बहुत धुंधला और ठंडा व्लॉग है ना, धुंध के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, नाक फ्रीज हो गई लिहाजा मैं ना कुछ पाए। हमें 15 मिनट हो गए चलते हुए, 5 मिनट और चलेंगे फिर 20 मिनट का हो जाएगा, फिर 20 मिनट के बाद वापस मुड़ेंगे, फिर वो 20 मिनट हमारे पूरे 40 मिनट हो जाएंगे पहुँचते पहुँचते। पता नहीं चल रहा है भाई बहुत, इसमें क्या पता चलना है, इतना मज़े का मौसम है।